नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 हिंदी की क्लास है। आज हम लोग कबीर की साखियां पढ़ने जा रहे हैं। कबीर की साखियां पढ़ने से के पहले आप थोड़ी सी सामान्य जानकारी कबीर के बारे में रखिए कि कबीर का जन्म बनारस में हुआ था, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के जुलाहे के घर हुआ। कबीर एक कवि नहीं थे, कबीर एक समाज सुधारक थे। जब जब समाज में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और बुराइयां बढ़ी, तब तब हमारे समाज में कबीर दास जैसे समाज सुधारक का अवतार हुआ। यहां पाठ है कबीर की साखियां। साखियां शब्द का क्या अर्थ है? साखी शब्द साक्षी से बना हुआ है, प्रमाण। साक्षी का अर्थ प्रमाण। कबीर ने जो भी अपनी आंखों से देखा उसे अपने दोहों, अपने संदेश, अपने पद के माध्यम से जनमानस तक, आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये जो कबीर की साखियां हैं, यह उनके संदेश हैं जो एक समाज सुधारक के रूप में वे सामान्य लोगों को प्रेषित करना चाहते हैं, सामान्य लोगों को बताना चाहते हैं। तो पहला दोहा है, जातिन पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे के द्वारा कबीर दास जी ने जाति पाति का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कोई दुनिया में किसी जाति का नहीं होता, सभी की केवल एक जाति है, वह है मानव, मानवीय गुण होने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई संत है, कोई ज्ञानी है, कोई धर्मात्मा है, कोई सज्जन है, आपके समक्ष ज्ञान देने के लिए उत्पन्न हुआ, उपस्थित हुआ, तो आप उससे जाति के बारे में मत पूछिए, आप उसके ज्ञान के बारे में पूछिए, क्योंकि मोल तलवार का होता है, म्यान का नहीं होता है। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, तो तलवार रखे जाने वाले म्यान का कोई महत्व नहीं होता है, तलवार का महत्व होता है, क्योंकि उसके द्वारा शत्रुओं का संहार होता है। युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान काम नहीं आते। इसलिए आपके जीवन में ज्ञान काम आएगा, जाति काम नहीं आएगी। जो संत हैं उनसे ज्ञान लीजिए, उनकी जाति मत पूछिए। दूसरे दोहे को देखते हैं, आवत गारी एक है उलटत होई अनेक, कही कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। यदि कोई आपको गाली देता है, एक गाली देता है, तो आप उसका प्रत्युत्तर मत कीजिए, आप उसके बदले में दूसरी गाली मत दीजिए। नहीं तो एक बार वह आपको देगा, फिर आप देंगे, फिर आप देंगे, फिर वह देगा, और इस तरह से वह गाली अनेक रूप धारण कर लेगी। इसलिए कोई आपको एक बार गाली देता है तो आप शांत रहिए, ताकि वह एक से अनेक नहीं हो पाएगी। क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर आप पलट करके पुनः गाली नहीं देंगे तो गाली एक ही रह जाएगी, केवल उसी ने दिया ना, आप उसे क्षमा कर दीजिए। मान लीजिए कि उसने गाली दिया ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति आया और वह गौतम बुद्ध को लगातार गाली देने लगा। गौतम बुद्ध शांत होकर के उसकी पूरी गाली को सुनते रहे। अंत में उसने पूछा कि मैंने आपको हजारों गालियां दी, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा? गौतम बुद्ध ने एक सिक्का दिखाया और कहा कि यह सिक्का मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपने नहीं लिया तो यह किसके पास रहेगा? उस आदमी ने उत्तर दिया कि मेरे पास। तो गौतम बुद्ध ने समझाया कि आपने गाली दिया, मैंने आपकी गाली को स्वीकार नहीं किया, तो गाली किसके पास रह गई? आपके पास। इसलिए कबीर दास जी ने गाली देने से मना किया है। अगर कोई आपको अपशब्द कहता भी है तो आप उसका प्रत्युत्तर मत कीजिए, आप उसका उत्तर मत दीजिए। तीसरा है,
माला तो करमे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, ऐसे सुमिरन नाही। यह जो समाज का ढोंग है, जो समाज में अंधविश्वास है, जो तमाम लोग वल्कल वस्त्र धारण करके, तरह तरह के तपस्वियों का वेश धारण करके, दाढ़ी बढ़ा करके और समाज में ढोंग करते फिरते हैं कि मैं सन्यासी हूँ, मुझे आत्म तत्व का बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कबीरदास जी ने इस कुरीति पे, इस बुराई पर आक्षेप लगाया है और कहा है कि माला तो कर में फिरे, माला उनके केवल हाथ में फिरती है, जीभ फिरे मुख माई और मुँह में जीभ फिरती रहती है। यानी मुंह से वो बहुत कुछ कहते हैं, केवल बाहर से दिखावा करते हैं कि हाथ में माला है। उनके हाथ में माला भी रहती है, मुंह में जीभ भी घूम रही है, मनवा चहु दिसी फिरे, लेकिन उनका मन अस्थाई नहीं रहता है। वे मुंह से सुमिरन भी करते हैं, भगवान का गुणगान भी करते हैं, कीर्तन भी गाते हैं, हाथ में जप माली भी लिए हुए हैं, माला भी जप रहे हैं, लेकिन उनके मन में अस्थायित्व नहीं है। उनका मन अस्थाई नहीं है, उनके जीवन में ठहराव नहीं है, ऐसे किसी भगवान का सुमिरन नहीं होता। ये तो केवल समाज को एक दिखावा है, यह केवल समाज को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। अगर कीर्तन करने से और माला जपने से ईश्वर मिल जाते तो संसार के सभी लोग ईश्वर को प्राप्त कर लेते और मोक्ष प्राप्त कर लेते। लेकिन कबीर का मानना है कि ईश्वर तो हमारे अंदर होता है, हमारे अंतर मन में व्याप्त होता है, हम ईश्वर की मूर्ति हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं पहचानते। कबीर दास ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि पहले आप खुद को पहचानिए, पहले आप स्वयं को पहचानिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कबीर घास न निंदिए जो पायंतर हो, कब उड़ी आखिन परे पीर घनेरी हो। वही दोहा है कि यदि आपके पैर के नीचे तिनका भी पड़ा हुआ है, घास भी पड़ी हुई है, तो उसकी निंदा मत कीजिए, उसकी आलोचना मत कीजिए, अर्थात उसे कमजोर मत समझिए कि यह तो एक छोटा सा तिनका है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब वही तिनका उड़ करके हमारी आंख में पड़ जाता है तो आंख को बहुत पीड़ा होती है और एक बड़ा चोट का रूप ले लेता है, एक बड़े घाव का रूप ले लेता है। इसीलिए कबीरदास जी ने संसार में किसी भी छोटे प्राणी, किसी भी निर्जीव सजीव, किसी भी वस्तु को छोटा समझने से मना किया है। आप उसकी क्षमता को मत भूलिए। अंतिम दुआ है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई बैरी नहीं है, जो मन शीतल हो, जिसका मन अच्छा है, जिसका मन मोह माया से दूर है, उसका संसार में कोई भी बैरी नहीं है, उसका कोई भी दुश्मन नहीं होता है। या आप आपको डारी दो, जो आपके अंदर गर्व है, जो आपके अंदर घमंड है, उसे त्याग दो, फिर पूरा संसार आपके ऊपर दया करना शुरू कर देगा। हम क्या होता है, अभिमान में आ जाते हैं, हम घमंडी बन जाते हैं, अरे हम उसके पास क्यों जाएं? भाई उसके पास जाओगे तभी तो कुछ होगा। जब हर व्यक्ति यही समझने लगेगा कि हम उससे बात क्यों करें, हम उसके पास क्यों जाएं, तो यह घमंड ही सारे दुख का कारण होता है। जो हमारा अभिमान है वही सारे दुख का कारण होता है। जिस दिन हम इस अभिमान का त्याग कर देते हैं, उस दिन हमारे लिए संसार अपने परिवार की तरह हो जाता है। सभी समाज के लोग हमें दया दिखाना शुरू कर देते हैं, सभी के साथ हमारा संबंध भाईचारे और आपसी सौहार्द का हो जाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि इस संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं है, यदि आपका अपना मन शीतल है, आपका अपना मन अच्छा है, तो आपके लिए संसार में कोई दुश्मन नहीं है। आप अपने घमंड को त्याग दीजिए, अपने गर्व को त्याग दीजिए, अपने अंदर जो अभिमान है उसे बाहर कर दीजिए, फिर देखिए सभी के सभी लोग आपके ऊपर दया करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कबीर की शाखियां पाठ का अध्ययन किया। आप इन सभी दोहों को ध्यान से सुनेंगे, यदि आपको किसी भी दोहे में फिर से संदेह होगा तो एक बार फिर से इसकी व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।